दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि ये ऑमलेट नहीं है तो आपको यकीन नहीं होगा। आप कहेंगे शांति जी झूठ बोल रही हैं। यकीन मानिए, हमने तो सारी हरी सब्जियों का एक नया रेसिपी बनाई है। तो स्वागत है आप सभी का शांति जी का देसी किचन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने ले लिया एक कटोरी चावल। चावल आपको हम दिखाने के लिए लिए हैं। चावल और दाल को हम पहले से भिगो लिए हैं, और चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा पतला। और यहाँ पर हम दाल भी डाले हैं। अगर आप दाल डालकर बनाना पसंद करते हैं तो दाल डाल सकते हैं। अगर केवल चावल में ही बनाना पसंद करते हैं तो केवल चावल से भी बना सकते हैं। चावल और दाल को पीस कर हम पेस्ट बना लेंगे, और एक छोटा सा हम बाउल लेंगे, उसी में हम पेस्ट को पलट लेंगे, और थोड़ा सा हम पानी डालकर और पतला सा करके हम फिर उसी में डाल देंगे, और अच्छे से हम इसका पेस्ट पतला तैयार करेंगे। तो देखिए, हम चम्मच से चलाते हुए पेस्ट को तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ सरसों का तेल डाल दिए, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। और तड़के में हम राई डाल दिए चटकने के लिए, और जीरा डाल देते हैं चटकने के लिए, और सौंफ भी हम डाल देते हैं चटकने के लिए, स्वाद और टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। और अच्छे से चटकने देते हैं तड़के को, और यहीं पर हम डाल देते हैं बारीकी कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम भूनकर तैयार कर लेते हैं। तो तड़का हमारा भून चुका है, अब इसी में हम जो पेस्ट तैयार किए हैं उसको डाल देते हैं। यहीं पर हम डाल देते हैं बारीकी कटा हुआ प्याज, और एक कटोरी हरा मटर, और सारी सब्जियों डालेंगे। यहाँ पर हम बैंगन थोड़ा सा काट कर डाले हैं, और मूली डाले हैं काट कर, और यहाँ शिमला मिर्च कटा हुआ डाल देते हैं, और यहाँ हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, और यहाँ फूल गोभी घस के रखे हैं वो भी डाल देते हैं, और यहाँ हरा धनिया भी डाल देते हैं। और इन सभी सब्जियों को अच्छे से हम चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको जो सब्जी डालकर बनाना पसंद है तो आप डालकर बना सकते हैं। अगर आपको जो सब्जी नहीं पसंद है तो आप इस सब्जियों को हटा सकते हैं। यहीं पर हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और यहीं पर एक बारीकी घसा हुआ आलू डाल देते हैं, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम थोड़ा सा पानी डालकर और पतला कर लेते हैं, जो कटोरा में लगा हुआ है पेस्ट, तो उसको डालकर और हम थोड़ा सा पतला कर लिए। देखिए कितना अच्छे से हम पतला कर लें। जितना ही पतला बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा नाश्ता। तो यहाँ पर हम तावा रख लिए हैं, और तावा में हम सरसों का तेल डाल दिए। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, और कलछुल भर कर हम डालेंगे तवे पर, और चारों तरफ गोल में हम फैला देंगे, और इसे अच्छे से हम फैलाते हुए और ढक देंगे पकने के लिए। तो 2 मिनट छोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 मिनट हो चुका है। अब पलटों से उलटते पुलटते हम बनाएंगे ये नाश्ता, और देखिए कितने अच्छे से सारी सब्जियाँ सीख गई हैं। सारी सब्जियाँ सीख गई हैं, तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और जैसे लग रहा है कि ये मार्केट का आमलेट है। आपको यकीन नहीं होगा। तो देखिए, इसी तरह हम सारे बैटर डालकर और बना लेंगे। ये नाश्ता बनाना बेहद आसान है, एक बार हमारे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। आज का ये नाश्ता बहुत हेल्थी और बहुत इजी है। आप इसे कोई सा भी मौसम में बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो एक बार तो बनता है बनाना दोस्तों, एक बार बनाकर हमें फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सारी नाश्ता हम इसी तरह बना लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, तो ये नाश्ता बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आपके घरों में जो सब्जियाँ पड़ी हैं वही डालकर बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे सब्जियां ही डालकर हम बनाएं ये नाश्ता। आप कम बेसी सब्जियां डालकर ही बनाइएगा, तभी भी उतना ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़ों को भी पसंद आने वाला ये नाश्ता है। तो आज का हमारा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।